टुडे वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो अर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ्रोपोडा जो है, ठीक है, इट इज अ अर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम। ठीक है, और ये फाइलम जो है सब फाइलम में बटा हुआ है। ठीक है, अर्थ्रोपोडा फाइलम है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब फाइलम्स। ठीक है, तो ये इसको सब फाइलम में बांट दिया गया है। ठीक है, किस बेसिस पर? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो डिविजन्स ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी मतलब क्या, बॉडी डिविजन्स भी आप सिंपली कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिविजन्स। ठीक है, बॉडी का डिविजन कैसे है, तो देखे थे ना बॉडी का कुछ में क्या होता है, मोस्टली में हेड थॉरेक्स एब्डोमेन में, कुछ में क्या होता है, हेड थॉरेक्स फ्यूज होकर क्या बना देता है, सिफेलोथॉरेक्स बना देता है और एक एब्डोमेन। ठीक है, तो उसी तरह उस बेसिस पर, तो ये अर्थ्रोपोडा कितने में, क्या में है, तो ये फाइलम है, इसको सब फाइलम में बांटा गया है। फर्स्ट सब फाइलम इज ट्राइलोबिटा, TRILOBITA, ट्राइलोबिटा। ठीक है, दूसरा जो है सब डिवीजन उसको कहते हैं चेलिसिराटा, CHELICERATA, चेलिसिराटा। ठीक है, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज चेलिसिराटा। ठीक है, तो इसको चेलिसिराटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंसरी ऑर्गेन क्या होगा, चेलिसरे होगा इसमें। ठीक है, फीडिंग ऑर्गेन है इसीलिए चेलिसिराटा। नेक्स्ट जो सब फाइलम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मैंडिबुलाटा, मैंडिबुलाटा, और ठीक है, और इसी को हम कहते हैं एंटीनाटा। ठीक है, एंटीनाटा, एंटीना भी होते हैं ना, मैंडिबल्स भी होते हैं और एंटीना भी होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं मैंडिबुलाटा सब फाइलम को, और एंटीना भी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीनाटा। ठीक है, तो ये है एंटीनाटा। चेलिसरे जो है उसमें एंटीना नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीना होता इसमें तो इसमें चेलिसराटा अलग से नहीं होता। ठीक है, तो ट्राइलोबिटा, चेलिसराटा, मैंडिबुलाटा और एंटीनाटा, तो मैंडिबल्स प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दैट इज नोन एज पेंटा, ठीक है, पेंटा स्टोमिडा। ठीक है, PENTASTOMIDA, पेंटा स्टोमिडा। ठीक है, और नेक्स्ट है टार्डीग्राडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टार्डी, तो इसको कहते हैं TARDI, टार्डी, GRADA, टार्डीग्राडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टार्डीग्राडा, और एक लास्ट जो है, ठीक है, इसको कहते हैं ओनिकोफोरा। क्या कहते हैं, ओनिकोफोरा, तो इसको हम ऐसा करें नीचे लिख देते हैं यहां पर ओनिको, ONYCHOPHORA, ओनिको फोरा। ठीक है, तो ये कितने सब फाइलम्स हो गए, लगभग ये 6 हो गए। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं दिस अर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 6 फाइलम है ये अर्थ्रोपोडा, 6 सब फाइलम। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ये 6 सब फाइलम में बटा हुआ है, सब फाइलम। ठीक है, 6। अब इसमें से क्या है कि ट्राइलोबिटा जो है, ठीक है, ट्राइलोबिटा, ट्राइलोबाइट अर्थ्रोपोड है। ठीक है, तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, दिस इज एक्सटिंक्ट, अब नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉसिल जो है अर्थ्रोपोडा, दे आर प्लेस्ड इन दिस। ठीक है, तो फॉसिल अर्थ्रोपोडा को किसमें रख दिया गया है, तो दे आर प्लेस्ड इन ट्राइलोबिटा। तो ट्राइलोबिटा में आ गया कौन सा, फॉसिल अर्थ्रोपोड। ठीक है, फॉसिल और लिविंग फॉसिल में अंतर है। ठीक है, लिविंग फॉसिल मतलब कि आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जैसा एंसेस्टर था वैसा है, अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल कौन है, ट्राइलोबिट्स। ठीक है, अब नहीं रहे। चेलिसराटा, तो अभी हम चेलिसरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन, मैंडिबुलाटा की क्लासिफिकेशन, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानना है हमें, बस नाम याद रख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो 4 सब फाइलम में ट्राइलोबिटा, चेलिसराटा, मैंडिबुलाटा, एंटीनाटा और
एक ऑनिकोफोरा जन्म है, ठीक है। ऑनिकोफोरा में क्या है, इसमें याद रखना है कि ऑनिकोफोरा में एक एग्जांपल्स है, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, ऑनिकोफोरा में जो है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, पेरीपैटस, पेरीपैटस कहते हैं, एक एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है, पेरीपैटस। तो पेरीपैटस क्या होता है, ऑनिकोफोरा में होता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, दो तीन पॉइंट याद रखना है कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बिटवीन एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये एनलिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या है, याद रखना है कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। अब कनेक्टिंग लिंक है मतलब क्या, ये एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में रखे हैं क्लासिफिकेशन, बट एनेलिडा के कैरेक्टर ये शो करता है। तो क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे एनेलिडा, तो एनेलिडा जब पढ़े थे, अच्छा ये आर्थ्रोपोडा में रखा गया तो लेग्स कैसे होंगे, जॉइंटेड कि अनजॉइंटेड, जॉइंटेड लेग्स, लेकिन इसमें कैसे होते हैं लेग्स, अनजॉइंटेड। तो इसमें लेग्स जो होते हैं कैसे होते हैं, अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर किसका है, एनेलिडा का है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है। दूसरा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो देखते हैं नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया किसके कैरेक्टर था, एनेलिडा का, इसीलिए इसको रखा गया इसमें, ठीक है, एनेलिडा माना गया। आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मैल्पीजियन टिब्यूल्स है, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में क्या होता था, देखे थे हिमोसीन वगैरह होते थे ना, तो यहां पर भी होते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं मैल्पीजियन, मेल पीजियन टिब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन देखे थे इसमें नेफ्रिडिया, सॉरी नेफ्रिडिया, और इसमें मैल्पीजियन टिब्यूल्स नहीं होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, ठीक है, आर्थ्रोपोडा होता तो होना चाहिए था। तो इसमें याद रखेंगे एनलिडा का कैरेक्टर क्या है, अनजॉइंटेड लेग्स एंड प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गेन, जो कि किसका है, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। इसके बाद इसमें देखें क्या, हीमोसील होता है, जो बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है, तो बॉडी कैविटी फिल्ड विथ हीमोसील वगैरह होता है, हीमोसील, ठीक है, दैट इज इन दोनों के चलते इसको कनेक्टिंग लिंक माना गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा का, ठीक है। और इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पेरिपैटसिस लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो पेरिपैटस आप याद रखेंगे क्या है कि इसके बारे में कि इट इज अ पहला पॉइंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सेकंड लिविंग फॉसिल, कहने का मतलब क्या हुआ कि आज भी प्रेजेंट है बट विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज अ लिविंग फॉसिल। तो और दूसरा कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं दो पॉइंट, ये लिविंग फॉसिल है, एल आई वी आई एन जी लिविंग फॉसिल। तो नेम अ लिविंग फॉसिल विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आंसर विल बी पेरिपैटस। तो लिविंग फॉसिल और कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना है। इसमें एक्सटिंक्ट है फॉसिल आर्थ्रोपोडा, इन दोनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेलिसराटा, तो चेलिसराटा देखते हैं, ठीक है, तो चेलिसराटा को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इनका देखते हैं चेलिसराटा, तो दिस इज चेलिसराटा, तो इसी में हम देख लेते हैं चेलिसराटा, चाहे अलग से कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चेलिसराटा हम देख रहे हैं, चेलिसराटा, ठीक है, ये पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ेंगे मैंडिबुलाटा का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि मैंडिबुलाटा में क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस देखेंगे। तो चेलिसराटा, ठीक है, तो चेलिसराटा जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको दो क्लास में बांटा गया, चेलिसराटा इज अ सब फाइलम और इसको दो क्लास में बांटा गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास, ठीक है, इसको दो क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा दो क्लास है, तो वो देखते हैं, फर्स्ट इज मीरोस्टोमेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ये उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेन वगैरह में बताया थे थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया, दैट इज मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा, ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं
अरकनिडा, ठीक है, मीरोस्टोमेटा, और दूसरा जो है अरकनिडा, ठीक है। तो ये दो हो गया, अरकनिडा और मीरोस्टोमेटा, ठीक है, मीरोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो चेली सराटा है, ठीक है, चेली सराटा है, तो इसमें एक दो पॉइंट याद रखेंगे चेली सराटा में, ठीक है। चेली सराटा में पहले तो देखेंगे कि बॉडी बॉडी डिवीजन कैसा है, ठीक है। तो चेली सराटा में बॉडी डिवीजन है, इसमें दो पार्ट, ठीक है, हेड और थॉरेक्स फ्यूज है, तो क्या कहेंगे, सिफेलोथॉरेक्स, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, प्रोसोमा, ठीक है। और दूसरा जो बॉडी डिवीजन है क्या कहेंगे, हेड थॉरेक्स के बाद एब्डोमेन, ठीक है। तो बॉडी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हेड थॉरेक्स फ्यूज होके और एब्डोमेन, ठीक है। तो ये सिफेलोथॉरेक्स एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन को क्या कहते हैं, ऑपिस्थोसोमा, ठीक है। तो ये बता चुके हैं, इसमें हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन मिलेंगे चेली सराटा में, ठीक है। ये इसके बाद पहला, दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, तो फर्स्ट इज बॉडी डिविजन, दूसरा आप याद रखेंगे कि इसमें टोटल अपेंडेजेस वगैरह देखेंगे, चाहे सेंसरी ऑर्गन क्या क्या है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जो देखेंगे, जैसे स्कॉर्पियन होता है ना बिच्छू, इसी में आएगा, तो उसके बारे में देखना क्या होगा, बॉडी डिविजन उसका, ये सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, इसमें देखेंगे सेंसरी ऑर्गन क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन जो देखेंगे, तो इस सेंसरी ऑर्गन में हो गया, दैट इज चेलिसरे, CHELICERE, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, चेलिसरे के बाद एक पेडिपाल्पी भी होता है, CHELICERE, ठीक है, ये अराउंड माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल एक फोटो बना रहे हैं, स्कॉर्पियन होता है ना, तो स्कॉर्पियन के लिए ये माउथ ये इस तरह का है, हेड है, ठीक है, और ये थॉरेक्स है, बड़ा करके बना दे रहे हेड थॉरेक्स, ये दोनों फ्यूज है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे दिखा दे रहे, ये सेगमेंटेड होते हैं, एब्डोमेन वगैरह जो होते हैं इस तरह के, और लास्ट में यहां पर देखेंगे एक इस तरह का, ये टील जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं टेल्सन ग्लैंड, क्या कहते हैं, टेल्सन, ठीक है, टेल्सन, और STING स्टिंग ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, टेल्सन और स्टिंग ग्लैंड, ठीक है। तो पॉइजनस सब्सटेंस इसमें भरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए यहां पर माउथ होता है, ये क्या है, माउथ है, दिस इज माउथ, ठीक है। और माउथ के चारों तरफ सराउंड जो किया हुआ है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे छोटा सा, ठीक है। तो ये जो माउथ के चारों तरफ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माउथ है, माउथ के चारों तरफ अराउंड माउथ जो स्ट्रक्चर है, यही है चेलिसरे, CHELICERE, ये वाला, ठीक है, चेलिसरे। और ये चेलिसरे कितना है, वन पेयर, ठीक है। दूसरा क्या है, यहीं पर देखेंगे इसी के बगल में, ठीक है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर एक और होगा, ऐसे इसी के बगल में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, तो ये बड़े बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर्स है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको कहते हैं पेडीपैल्पी, क्या कहते हैं, PEDIPALPI, पेडीपैल्पी, ठीक है, चेलिसरे और पेडीपैल्पी, ठीक है, पेडीपैल्पी। तो एक्चुअली में ये चेलिसरे और पेडीपैल्पी क्या करता है, इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे, खाना को पकड़ने में और फिर माउथ में लेने में, कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प कर रहा है, मतलब एक तरह से दे आर फीडिंग ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये फीडिंग ऑर्गन है। तो ये पेडीपैल्पी, ठीक है, ये कितने होते हैं, वन पेयर, ठीक है। तो कह सकते हैं माउथ इज सराउंडेड बाय टू पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, पेडीपैल्पी एंड चेलिसरे, दे एक्ट एज मेनली फीडिंग ऑर्गन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सेंसरी ऑर्गन, बॉडी डिविजन इसमें दो पार्ट, और सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, ये होते हैं, दैट इज चेलिसरे एंड दिस। अच्छा, इसमें एंटीना होता है, नहीं होता है, बताए भी थे, तो इसमें सेंसरी ऑर्गन एंटीना नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आ देंगे, दिस इज एंटीना इज एब्सेंट, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो फर्स्ट देखते हैं मीरोस्टोमेटा और अरकनिडा में, ठीक है। तो मीरोस्टोमेटा और अरकनिडा में देखेंगे, तो हैबिटेट, तो फर्स्ट इज हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट कैसा होगा, हैबिटेट कहां पाए जाएंगे, तो ये देखेंगे दे आर प्रेजेंट इन मराइन वाटर, ठीक है, लेकिन ये कहां पर पाए जाएंगे,
दे आर एक्वाटिक मराइन, और ये कहां होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन स्पाइडर क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो दे आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो फर्स्ट इज हैबिटेट, सेकेंड देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गेन, तो लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या हो गया, लेग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज लेग्स। ठीक है, तो लेग्स देखेंगे तो अर्कनिड में, अर्कनिड, ठीक है, इसमें अर्कनिड जाएगा, स्कॉर्पियन स्पाइडर ये सब, तो कितने लेग्स होते हैं उसमें, 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में 6 लेग्स, इसमें 8 लेग्स, तो ये कितने हो गए, तो इसमें कह सकते हैं दैट इज 4 पेयर लेग्स होते हैं। ठीक है, तो लेग्स देख रहे हो ना, लोकोमोटरी ऑर्गेन कितना, लेग्स, तो लेग्स कितने हैं, तो इट इज 4 पेयर। ठीक है, 4 पेयर मतलब 8, और 8 है इसीलिए इसको हम क्या कह दिए, 8 है इसीलिए इसको हम ऑक्टापोडा भी कहते हैं। अरकनिडा को क्या कहते हैं, ऑक्टापोडा। तो 4 पेयर है, 4 पेयर मींस 8, और इसीलिए इसको ऑक्टापोडा भी कहते हैं, तो ऑक्टापोडा में आएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 4 नहीं, 5 to 6 पेयर हो सकते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकोमोटरी ऑर्गेन के बाद रेस्पिरेशन, इसके बाद रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन कैसे होगा, ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टेंशन ग्लैंड होते हैं कि नहीं, टेंशन और लिखा हुआ है स्टिंग ग्लैंड। ठीक है, टेंशन और स्टिंग ग्लैंड। ठीक है, फिर देखेंगे, अब यहां पर देख लें पहले तो रेस्पिरेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मीरोस्टोमेटा में लिमुला स्किन क्रैब आएगा, क्या आएगा, लिमुला स्किन क्रैब, तो किंग क्रैब में क्या बताए थे, मीरोस्टोमेटा में, तो दैट इज किंग क्रैब, तो बुक गिल्स, लेकिन इसमें क्या होगा, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन स्पाइडर में बताए थे। ठीक है, उसी तरह एक्सक्रीशन क्या होगा, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन जो था कोक्सल ग्लैंड। ठीक है, क्या था, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, लेकिन याद रखेंगे कुछ अरकनिड्स जैसे है ना, टिक माइस वगैरह उसमें देखेंगे कोक्सल ग्लैंड नहीं होते हैं, तो समटाइम्स क्या हो सकता है, मेलपीजियन टिब्यूल्स भी होते हैं कुछ अरकनिड्स में। ठीक है, कुछ में ये, तो आपको ये याद रखना है कि बुक लंग्स होता है इसमें, इसमें कोक्सल ग्लैंड, इसमें बुक गिल्स और कोक्सल ग्लैंड, और उसमें समटाइम्स हो सकते हैं किसी किसी में, दैट इज मेलपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, इसके बाद स्टिंग ग्लैंड और टेंशन ग्लैंड, इसमें होगा, इसमें होगा, ये देखिए टेंशन स्टिंग ग्लैंड है ना। ठीक है, तो ये पॉइजन सब्सटेंस बना हुआ है, उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब ल्यूमिनस स्किन क्रैब है उसमें भी होगा। नेक्स्ट जो देखेंगे एनिमल, ठीक है, एनिमल, तो एनिमल कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज ओविपैरस, अंडा देने वाला है कि बच्चे को बर्थ देते हैं, तो हम कह सकते हैं वी कैन से कि दे आर ओविपैरस, तो ये क्या होते हैं, ये ओविपैरस होते हैं। ठीक है, ये अंडा देते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, ये ओविपैरस होते हैं मोस्टली, और कुछ क्या होंगे, वीवी पैरस भी होते हैं, तो वीवी पैरस मतलब क्या हुआ, सम आर्थ्रोपोडा गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज स्कॉर्पियन, बिच्छू, तो बिच्छू जो है वो बच्चे देते हैं, तो यही है एक्सेप्शन, तो मोस्टली ओवी पैरस है। ठीक है, डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनता है कि नहीं बनता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, लार्वा इसमें बनते हैं इसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, यहां पर लार्वा जनरली नहीं बनते हैं, तो कैसा होगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो ये हो जाएगा,
ठीक है, मराइन होते हैं टेरेस्ट्रियल 5-6 पेयर इतना ऑक्टा पड़ा, इसीलिए कहते हैं एक होता है एंटी दिस वन, ठीक है। अब इसमें कुछ एक एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स इसमें बता चुके हैं मीरोस्टोमेटा में कौन सा होगा, दैट इज लिमुलस, LIMULUS लिमुलस, इसको कहते हैं किंग क्रैब, और इसी को हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, और ये बता चुके हैं लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो बस एक ही एग्जांपल इसमें याद रखना है, इसमें भी एग्जांपल बता चुके हैं फिर भी यहां पर लिख दे, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स जो हो जाएगा दैट इज कौन सा हो जाएगा एग्जांपल्स, तो इसमें हो गया स्कॉर्पियन, ठीक है, यहां पर लिख दे स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट, ठीक है, एंड इक माइट, ठीक है, तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, MIT माइट, ठीक है, ये हो गया एंड इक माइट, ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको इक माइट, तो इसको क्या कहेंगे स्कॉर्पियन को, बता चुके हैं बूफस, ठीक है, और आरानिया, स्पाइडर को इपाइला, और स्पाइडर है ना बूथस और पैलमेनस, स्कॉर्पियन इज पैलमेनस, PALAMNAEUS, इसको क्या कहेंगे इपाइला, आरानिया और लाइकोसा, सब बता चुके हैं पहले, टिक, माइट, और एक और लिख सकते हैं माइट एंड ICHMIT, एक माइट, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बता चुके हैं आपको स्पाइडर, टिक, माइट, एक माइट, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया क्या, दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ ये। अब हम देखेंगे मैंडिबुलेटा एंटीनेटा का।